पापा जा रहे हैं, पापा जा, बैठो घर तक छोड़ दूँ मैं। राज पापा को बैठा लिया है, डरना मत ठीक है। ये देखो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस कैसे आप लोग, होप कि आज आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और आज निकल चुका हूँ ना इतनी बॉम राइड पे ना कि आप लोग पूछो मत, इतनी अच्छी राइड होने वाली है। क्योंकि आज मेरे साथ है मोहित जो कि अभी बैक सीट पे बैठा हुआ है, और आज की राइड है ना हम लोग जा रहे किसी खास लोकेशन पे। मैं अभी नहीं बात आप लोगों को बताऊंगा, बट थंबनेल देख के क्या पता आप लोगों को पता लग गया। तो हाँ गाइस हम लोग काफ़ी अच्छी जगह पे जाएंगे। चेक करो यार, ये देखो आगे पुलिस वाले जा रहे हैं, उनकी में नंबर प्लेट नहीं है। गाइस चेक करो, नंबर प्लेट नहीं है देखो। तो गाइस यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं यार, जब पुलिस वाले ही रूल्स फॉलो नहीं करते तो हम क्या ही करेंगे। तो गाइस अभी आ चुके हैं ना हाईवे पे, मेन हाईवे, यहाँ से सीधा जाना है। और एटलीस्ट हम लोगों को ना 19 से 20 किलोमीटर अभी और जाना है। हाँ मेरे को पता है अभी तो काफ़ी। और गाइस वो देखो सामने हाथी, एलिफेंट, यार चेक करो गाइस, ये देखो यार। हाँ यार, और अभी मैं बता रहा था ना हमको 20 किलोमीटर और जाना है, क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं टाइगर सफारी लुधियाना के, जहाँ पर हम लोगों को टाइगर देखने को मिलेगा। लॉयन नहीं है यहाँ पर, बट टाइगर तो हम देख ही सकते हैं। वह चेक करो, एक और पुलिस वाले ने ना हेलमेट नहीं लगाया, चेक करो यार, देखते हो रूल ब्रेक्स क्या बोल सकते हैं यार। इनको कोई नहीं कुछ बोलेगा, बट अगर हम नहीं लगा के जाते ना तो हमको ज़रूर कोई ना कोई कुछ बोलेगा यार। पुलिस वाले को कोई कुछ नहीं बोलता। बट गाइस अब हाईवे पे चढ़ चुके हैं, और घंटाघर के ऊपर वाला हाईवे है ये, और मतलब कि ये जो सामने कार वाला जा रहा है ना, वो अपने बाइक का ना चैनल सर्च कर रहा था अब फ़ोन में, जब वहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल पे पीछे हम लोग रुके थे ना, तो भाई चेक कर रहे थे कि कौन है। गाइस उसको ओवरटेक करना ज़रूरी था। तो गाइस सामने अपना ना वो आ चुका है अभी, क्या बोलते हैं, क्लॉक टावर, घंटाघर का मेन। कितना ही प्यारा लग रहा है ना ये, चेक करो गाइस कितना ही अच्छा है। और कार वाले ने फिर आगे कर ली, वो मेरे से रेस कर रहा था, मेरे को अभी ओवरटेक करने नहीं दे रहा था, बट मैं अब उसके साथ रेस नहीं करूँगा, मैं नॉर्मली चल रहा हूँ। तो गाइस आप आ चुके हैं फाइनली एकदम मेन रोड पर, और ज़्यादा मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मेरे थोड़ा GoPro में ना चार्ज कम है, और मेरे को चार्ज में जाना था, इस वजह से मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। तो अभी हम लोग एटलीस्ट 15 किलोमीटर से ऊपर आ चुके हैं, और अब ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 4-5 किलोमीटर और होगा ठीक है। तो देखते हैं कितनी दूर होगा, मोहित अभी मैप में देख रहा है। तो गाइस मैं अभी आप लोगों को बता दूँ ठीक है, जिस लेन में मैं चल रहा हूँ ये नॉर्मल लेन है, और जो बीच वाली लेन है वो उससे तेज़ चलती है, और जो राइट वाली लेन है उसमें ट्रक वगैरह कार वगैरह चलती हैं, वो भी काफ़ी हाई स्पीड में। तो इस वजह से ना तीन लेन में बांटा जाता है सड़क को, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैंने बता दिया। और ओवरटेक करने के लिए हमेशा आपको राइट से ओवरटेक करना चाहिए, और जैसे ईरान हो गया या कहीं अदर कंट्री हो गई ना, उसमें ना अदर सिस्टम होता है, आप लोगों को लेफ्ट तरफ से ओवरटेक करना पड़ता है। और आप लोगों को सोच रहे होगा कि मुझे कैसे पता, मैंने मतलब बहुत नॉलेज है मेरे पास अभी तो। ईरान वगैरह हो गया या पाकिस्तान या उस साइड के जितने कुछ कंट्री हैं ना, उसमें ना हमेशा लेफ्ट से ही ओवरटेक करते हैं, और उसके कार की हैंडलिंग भी जो होती है ना वो भी नॉर्मल लेफ्ट तरफ पे ही होती है, मतलब उल्टी होती है, अपोजिट होती है। गाइस अभी गलती से ना हम लोग थोड़ा आगे आ चुके हैं, हम लोगों को पीछे मुड़ना था, बट अब हम लोगों को आगे से घूम के जाना पड़ेगा यार, ये काफ़ी लंबा रास्ता है, अब आगे से घूमना पड़ेगा। देखते हैं यहाँ से कहीं से नहीं होगा क्या, वही ये देखिए यहीं से कुदा देते बाइक। तो गाइस अब पहुँचने वाले हैं बस टाइगर सफारी, बट मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखा दूँ, ये देखो महाराणा रणजीत सिंह वॉर म्यूज़ियम, कितना ही प्यारा है, यहाँ से चेक कर लो। बट अभी हम लोग यहाँ नहीं जा रहे हैं ठीक है, अभी हम लोग जा रहे हैं टाइगर सफारी जो कि जस्ट इसके थोड़ा सा बगल में है ये रोड पे। मैं अभी दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है ना टाइगर सफारी, और ये देखो लोग जा भी रहे हैं एंट्री के लिए, ये देखो एक भाई ये जा रहे हैं, और ओपन है 5 बजे तक ओपन रहता है। उस दिन हम लोग आए थे, चेक किया था हम लोगों ने 10 बजे से लेके 5 बजे तक। तो अब एंट्री होने जा रही है लुधियाना जू के अंदर, टाइगर सफारी जिसको बोलते हैं हम लोग, और बाइक्स पार्क यहाँ पर होंगी शायद से। तो गाइस बाइक यहाँ पर पार्क कर दिया, और चलते हैं लेते टिकट।
तो गाइज यहाँ से अभी तो मैं हेलमेट से रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ थोड़ा सा, उसके बाद मैं फ़ोन पे आ जाऊँगा, ठीक है ना। तो गाइज चेक करो यार, ये है जू और यहाँ से एंट्रेंस है, कितना ही प्यारा बना हुआ है। साइड साइड में पेड़ लगे हुए हैं, यहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं और वो देखो आखिरी तक काफ़ी अच्छी डिटेलिंग है। तो गाइज मोहित का भाई यहीं पर था, कहाँ चला गया मैं दिखा रहा हूँ ना, ये देखो गाइज ये यहाँ पर है एमओ बर्ड, शायद ऑस्ट्रेज है, वो देखो चेक करो गाइज, बेचारा कैद में है और इसका एक भाई वो बैठा है, वो देखो वहाँ बैठा है। तो गाइज अभी निकलने का टाइम हो गया आगे के लिए और चेक करो गाइज क्या ही प्यारी लोकेशन है यार। कैमरे कैमरे में दिखा क्या, ये कैमरा इसमें चार्ज नहीं है और फोन से वीडियो बना रहे हैं, इसको तो बेच ही देना है कैमरे यार बेचना नहीं पता क्या है ना, अचानक ही निकलने का प्रोग्राम बन गया ना तो चार्ज उतना कर नहीं पाया, 60% चार्ज कर लिया, ओएलएक्स पर आके बेच कर आईफोन लाएंगे। और यहाँ पर देखो कितने सारे बतख है भाई, भाई बतख तो बहुत सारे हैं, वो देखो वो बतख सबसे बड़ा है वो वाला। गाइस एंट्री होने जा रही है हमारी टाइगर सफारी के अंदर में, जू के मतलब लॉइन देखने के लिए, लॉइन है टाइगर है, टाइगर है, टाइगर देखने के लिए। अभी ये ओपन होगा फिर चलेंगे। गाइस चेक करो वो सामने मोर आया हुआ है, ये देखो मोर, यहाँ पर जो लॉइन होगा ना, लॉइन नहीं सॉरी, यहाँ पर जो टाइगर होगा ना वो ओपन में होगा, हाँ खुला होगा पिंजरे में नहीं होगा अभी तक तो नहीं दिखा, मैं बता तो रहा हूँ किस्मत में होता है दिखने। वो देखो गाइस दिख गया यार, वो देखो जा रहा है, कितना कार्टून की तरह लग रहा है यार। वो देखो यार, वो देखो कितने पास से देखने को मिला यार, वो देखो भाई ये देखो, ये देखो ओके। गाइस हम लोग तो सोच रहे थे हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा टाइगर, लेकिन भाई हम लोगों को ही सबसे ज़्यादा पास है, मतलब कि ना हमारी जो बस है ना उसके आगे आगे चल रहा था, देखा होगा आप लोगों ने। तो गाइस हम निकल चुके हैं घर के लिए और आप लोगों ने देखा ना कि कितना ही मतलब भाई अपनी जस्ट गार के ना जो अपनी बस थी ना उसके साथ साथ में ही चल रहा था टाइगर, और मोहित वोहित सब लोग डर रहे थे कि भाई अटैक तो नहीं करेगा, वो तो अटैक नहीं करता क्योंकि ना इन्होंने मेरे ख्याल से ना शुरू से ही पाला होगा उसको, ठीक है। और मैंने उनसे पूछा कि इसको भाई इसका खाना खुना कैसे होता है, तो उन्होंने ये बताया ना कि शाम को एक जगह है वहाँ पर ना पिंजरा सा है, ये शाम को वहीं चला जाता है और सोता भी वहीं पे है, दिन भर बस इसको यहाँ छोड़ देते हैं, ये अपने लोकेशन में घूमता है और शाम को जैसे 5-6-7 बजता है वो अपने आप ही वहाँ पर वापस आ जाता है। तो गाइस अभी तक अगर आप लोगों को वीडियो में मज़ा आ रहा है तो इसी बात पे एक लाइक कर दो और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और अगर न्यू सब्सक्राइबर हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो देख के चले आओगे ना तो ज़रूर पछताओगे, क्योंकि मैं आने वाले टाइम में इतना बड़ा ब्लॉगर बन जाऊँगा ना कि पूछो मत। और अभी निकल रहा हूँ घर के लिए और काफ़ी टाइम से ना मोहित को दे दिया था बाइक और वही ड्राइव कर रहा था, और मतलब काफ़ी लंबा रूट था ना इस वजह से मैं थक गया था, और सोचो 30 किलोमीटर चला के ही मैं थक गया, तो आगे मेरा क्या हालत होगा। तो गाइस मोहित को ड्रॉप कर दिया है और अब निकल चुका हूँ घर के लिए, और अभी ना टाइम हो रहा है 2 या 2:30 बज रहे हैं, जिसकी वजह से देख सकते हैं आप लोग ना काफ़ी सारे स्कूल के बच्चों की छुट्टी हो चुकी है, इस वजह से मैं बाइक स्लो ड्राइव कर रहा हूँ। बच्चा देख रहा था यार, उसकी खुशी के लिए थोड़ा सा रैप दे दिया। तो गाइस पापा जा रहे हैं, पापा जा, बैठो घर तक छोड़ दो, बैठो बैठो, ये लो फोन पकड़ो, तो बैठो बैठो, तो चल चलो। तो गाइस पापा को बैठा लिया है, डरना मत ठीक है, डर लगे तो बता देना, चलो एक मिनट, वहाँ पर एक्टिवा लगे ना, यहीं पर लगा रहा हूँ।
उससे ढाक देता हूँ ना अभी, हटा के लगा दो क्योंकि पलट जाएगी।